किसी भी व्यक्ति की बातों में न आए, ऑनलाइन चेक करें, उसके बाद भी कोई परेशानी या जानकारी हेतु मुझसे संपर्क करें। विभाग पर कोई भी किसी को पैसा न दे, निर्धारित शासकीय शुल्क 100 रुपए है। यह अपील केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जिले के SP श्री दीपक जी दुबे ने अफीम किसानों से अपील करते हुए आगे कहा कि हमारी हर प्रक्रिया ऑनलाइन है, किसी भी साइबर ठेके की चेक करवा लें। किसी भी बाहरी व्यक्ति या कार्यालय के बाहर अनजान शख्स से इस संबंध में जानकारी न लें। आप पात्र हैं तो विभाग आपको घर बैठे फॉर्म पहुंचाकर लाइसेंस जारी करेगा। शिकायत के लिए संबंधित जिला अफीम अधिकारी से संपर्क करें। कितने लोगों को पट्टे जारी हुए हैं और अभी वर्तमान में किन किन लोगों की क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, अफीम नीति फसल वर्ष 18-19 की नीति जो है भारत सरकार की घोषित हो चुकी है, उसके अनुरूप जो उसमें विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुरूप हम लोग पट्टा वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। और अभी वर्तमान में से कई लोगों को ऐसा पड़ रहा है कि नाम आ गया सूची में लेकिन उनको अभी तक जो है पट्टे नहीं मिले, ऐसे क्या मतलब गलतफहमी है उनमें? नहीं, गलतफहमी नहीं है। जो विभिन्न विभिन्न क्लॉज के तहत हम लोग पट्टे बांट रहे हैं, तो जो भी पात्र किसान होता है उसकी सूची वेबसाइट पे अपलोड की जाती है और मुखियाओं के माध्यम से किसानों को आवेदन पत्र दिए जाते हैं, तो वो जब जब जैसे जैसे गांव का नंबर आता है उनको लिए जाते हैं। तो अभी तक कितने पट्टे अपन दिए गए और कितने शेष हैं अभी? ये अभी हमने लगभग 4,400 से ऊपर किसानों को पट्टे दे दिए हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। और ये भी बोला है कि जिन किसानों का यदि पात्रता सूची में यदि उसको लगता है कि उसका नाम छूट गया है, तो वो किसान 1 नवंबर से 12 नवंबर के मध्य या तो विभाग की वेबसाइट पर या कार्यालय में आप स्वयं उपस्थित होकर या कार्यालय में डाक द्वारा अपना प्रत्यावेदन दे दे, तो हम उस पर वापस उसकी जांच करके फिर से पात्रता सूची में। तो कई लोगों को परेशानी शिकायत है तो सर आपसे के डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल, यदि जैसा कि है कि कोई भी किसान परेशान ना हो, व्यथित ना हो, विभाग का कार्यप्रणाली ऐसी है कि किसान को यदि उसकी पात्रता सूची में नाम आता है तो उसको घर से बुलाया जाता है और उसको आवेदन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसानों तक ये सूचना ना पहुंचे, किसान अनावश्यक परेशान ना हो और बिल्कुल नियम से पट्टा मिलता है। किसी की बातों में बहकावे में नहीं है? किसी की बात के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभाग ने पूरी कार्यप्रणाली निष्पक्ष है और पारदर्शिता बरती गई है कि किसानों को पूरी तरह पता हो कि किसके पट्टे आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। वो ऑनलाइन देख सकते हैं? मतलब ऑनलाइन बिल्कुल विभाग की वेबसाइट पे मौजूद है और विभाग की वेबसाइट को देखें। जैसे कई किसानों ने कहा कि साहब व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अलग लिस्ट चल रही है, तो हम उन सभी किसानों से अपील करते हैं कि विभाग की वेबसाइट है cbn.nic.in, उस पे पूरी सूची हमने जारी करी है, उस सूची को देखें और वही सूची सत्य है।